सिचुएशन देख के ऐसे नहीं लग रहा कि हम ये सेमेस्टर भी क्लियर कर पाएंगे, और सेमेस्टर होगा तो हम करेंगे क्या, और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है हमारे लिए कि ताकि हम सरकार दावा कर रही है ना कि हमने 29 कॉलेज खोल दिए, 29 कॉलेज खोले, नाम मात्र बोल रहे हैं कि कॉलेज खोल रही है, ये दो रूम से हमारा क्या होए, ट्यूशन ही नहीं चलती है एक रूम में, तो वो हमें तो सिर्फ दो रूम मिले हैं, उनमें से एक क्लास लगती है और एक ऑफिस है। क्या लगता है धोखा कर दिया सरकार ने? सर धोखा है क्या, बहुत कुछ कर दिया सरकार ने। अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे, अभी आपको चिंता किस बात की सता रही है? चिंता इस बात की सता रही है कि हमारा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये ना तो हमारी डिग्री मान्य होगी, ना हमारी पढ़ाई होगी, ना हमें कुछ नॉलेज होगी, और ना ही हमारा भविष्य बन पाएगा। आप देखिए अंदाजा लगा दीजिए इस रेत से भी यहाँ पर पानी की क्या कुछ फैसिलिटीज है। ये दरअसल मैं आपको बताऊं कि जो डिग्री मिलेगी वो सिर्फ नाम मात्र की कागज की डिग्री होगी, इसमें कुछ ना तो फील्ड है, तो क्या हमारे सपनों की तो कोई कामयाब होने की कोई इच्छा ही नहीं। अभी कितने फैसिलिटी तो ये बोर्ड है और ये बेंच है और दो रूम किराए पर दे रखे हैं और कुछ नहीं है। अब देखिए फैमिली वाले फर्स्ट में गर्ल्स को इतनी दूर भेजते भी नहीं है, और भेजा तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए हॉस्टल वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? स्टाफ भी नहीं हमारे लिए पढ़ाने के लिए, और अब कल परसों अब मिड टर्म है, फिर सेमेस्टर कुछ ही नहीं है, पता भी नहीं पास होंगे फेल होंगे। मुख्यमंत्री जी तो और कुछ घोषणाएं करना चाह रहे हैं, बाकी अभी बजट आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ कुछ ऐसी घोषणा करें ही नहीं जिससे हमें कुछ फायदा ना हो। अच्छा बस ऐसी मतलब बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि भाई उनको भविष्य में तकलीफ। तो अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, पर यहाँ आकर देखा तो कुछ नहीं है। छह महीने का सेमेस्टर देख लो, हमारे दो महीने में कम्प्लीट हो रहा है। अच्छा आप खुद सब कुछ अरेंज कर रहे हैं, ये एक पानी का कैंपर है, ये बड़ी कॉलेज है, ये मतलब आप सोचिए कि ये कृषि महाविद्यालय है, और महाविद्यालय में आप सोचिए कि बेसिक जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना आखिरी बजट पेश करने जा रहे हैं, उसकी तमाम तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही है, और ऐसा बताया जाता है कि ये बजट अपने आप में ऐतिहासिक होगा, और घोषणाओं की अपार के साथ ही ऐसा बताया जाता है कि जो पिछले चार बजट पेश हुए उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा बजट ये होगा। लेकिन आज राजस्थान तक ये रियलिटी टेस्ट कर रहा है कि सरकार ने पिछले बजट के अंदर जो घोषणाएं की थी उसका क्या कुछ हाल है, और उसी के लिए हम पहुंचे हैं एक कृषि महाविद्यालय के अंदर, जहां पर आप देखिए बाड़मेर के अंदर पिछले बजट के अंदर ये घोषणा हुई थी, और उसके बाद में एक कमरे के अंदर दो कमरों के अंदर पूरा महाविद्यालय चल रहा है। ऐसा बताया जाता है कि इसी कॉलेज के अंदर 54 से ज़्यादा स्टूडेंट है जो कि बाड़मेर सहित राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से है। लेकिन इस कॉलेज का हाल देखिए आप, मात्र दो स्टाफ है वो भी डेपुटेशन पर, तो इन बच्चों को ये बच्चे लगातार अपने पढ़ाई को लेकर संघर्ष कर रहे, साथ में इन बच्चों को अब इस बात की चिंता सता रही है कि एग्जाम सर पर है लेकिन अभी तक पढ़ाई नहीं हुई तो एग्जाम किस तरीके से देंगे। आइए कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं और उसके बाद मैं आपको इस कॉलेज का हाल बताऊंगा। ना तो आप देखिए कुछ एक जो रूम है, एक जो स्टाफ रूम है उसके बारे में हम पहले आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर तो पंखा तक नहीं है, ये जो फैन है फैन होता है वो नहीं है, और ये जो सर है उनसे भी बातचीत कर। अच्छा सर आपका क्या नाम है? सबसे पहले सर आपसे ही बातचीत करते हैं, क्या नाम है सर? मैं राजेंद्र सिंह। अच्छा राजेंद्र सिंह जी, क्या कुछ यहाँ पर कितने बच्चों का एडमिशन है और आप यहाँ पर कब से हैं, क्या कुछ फैसिलिटीज़? यहाँ मैं एक महीने से हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर 60 बच्चों का शुरुआती अवस्था में एडमिशन हुआ था, और अभी 3 बच्चे ICR में चले गए तो 57 बच्चे हमारे यहाँ रह गए हैं। तो सर इन बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए कितना सब्जेक्ट के लिए है, और कितने एडमिशन कितने स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद में कितने टीचर्स वगैरह है, और एग्ज़ाम वगैरह को लेकर बच्चे बार बार क्यों कलेक्टर से मुलाकात कर रहे हैं, आखिर इनकी क्या दिक्कत परेशानियां हैं? एक्चुअली में जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। हाँ। और हमारे पास 5 टीचर्स गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड करे थे, जो डिपार्टमेंट बताया आपको, जनरल प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस और एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, ये 5 विषय मुख्य गवर्नमेंट डिसाइड करे थे, विद्या संबल के माध्यम से अपॉइंटमेंट करने थे यहाँ पर, यहाँ पर अभी किसी भी तरह का कोई भी विद्या संबल का कैंडिडेट नहीं आया, इसलिए ये समस्या यहाँ पर हो रही है। अब मैं चूँकि हॉर्टिकल्चर का हूँ तो मैं हॉर्टिकल्चर विषय पढ़ा सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ मैं? नहीं तो सर इनके अब एग्ज़ाम कैसे होंगे फिर, पर एग्ज़ाम भी तो होंगे। एग्ज़ाम्स के लिए इनको हमने हर तरह का नोट्स तो उपलब्ध करा दिया है, और पेपर पैटर्न भी बता दिया है, हर सब्जेक्ट का चाहे प्रैक्टिकल का हो चाहे थ्योरी का हो, सारे नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं बच्चों को। अब चूंकि नोट्स उपलब्ध कराना, बच्चे केवल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरा टीचर्स कैसे बता सकता है, ये समस्या है। तो
तो आप दो यहाँ अभी कितना स्टाफ है? हम दो लोग हैं मात्र, ना हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर है, ना क्लर्क है, ना लेबोरेटरी असिस्टेंट है। लेबोरेटरी नहीं तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात ही नहीं उठती है। एक डॉक्टर प्रवीण जी हैं, ये बाटनी से है, मैं हॉर्टिकल्चर से हूँ। तो आप लोगों की यहाँ पोस्टिंग है? यहाँ हम डिपोटेशन पे आए हुए हैं। अच्छा, डिपोटेशन पे आए हुए हैं, ठीक है। आप देखिए किस तरीके से ये जो टीचर्स हैं, यहाँ का स्टाफ है, वो अपनी व्यथा बता रहा है। अब हम आपको स्टूडेंट्स से बातचीत करवाते हैं कि किस तरीके की उनके साथ में समस्या है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गणपत सिंह सर। अच्छा, किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ एडमिशन लिया था, उस वक्त क्या कुछ उम्मीदें जगी थी जब ये कॉलेज खुला था, उसके बाद क्या कुछ हाल है? उस समय हम गवर्नमेंट को धन्यवाद दे रहे थे कि हमारे शहर, मतलब हमारे को ज़्यादा एग्रीकल्चर मतलब एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे शहर में ही हमारे को एजुकेशन मिल जाएगी, तो हम बहुत खुश थे। पर उसके यहाँ आने के बाद पता चला कि ये व्यवस्था है, यहाँ आने के बाद ये व्यवस्था पता चली कि नहीं तो मतलब अध्यापक है, नहीं तो आप देख रहे हो बाकी व्यवस्था। तो बाकी क्या बताए आपको? अच्छा, आप कहाँ से आए? सर, जयपुर आमेर। अच्छा, क्या कुछ उम्मीद के साथ आए थे और उम्मीदों पर क्या कुछ हाँ? उम्मीदें तो बहुत थी, पर हमारे यहाँ सब कंडीशन और ये फैसिलिटी देख के अब कुछ ही नहीं रहा, मतलब स्टाफ ही नहीं हमारे लिए पढ़ाने के लिए। और अब कल परसों अब मिड टर्म है, फिर सेमेस्टर कुछ ही नहीं है, पता भी नहीं पास होंगे फेल होंगे। मुख्यमंत्री जी तो और कुछ घोषणाएं करना चाह रहे हैं, बाकी अभी बजट आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ कुछ ऐसी घोषणा करें ही नहीं जिससे हमें कुछ फायदा ना हो। अच्छा, आप लोग, अच्छा आप कहाँ से? जयपुर जॉब नेट से हूँ मैं। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, मतलब ना तो स्टाफ है, ना कुछ मतलब फील्ड वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना कुछ हॉस्टल वगैरह, ना लाइब्रेरी, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर राजस्थान सरकार खोली है इस कॉलेज को तो मतलब आगे कुछ मतलब मुख्यमंत्री जी को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? अब नया बजट भी पेश करना चाहते हैं, घोषणा करना ज़्यादा सही है या कुछ धरातल पर भी होना चाहिए? अगर घोषणा की है तो उनका मतलब अच्छी जगह मतलब कॉलेज में बजट पास करे और लगाए उनको। यहाँ क्या कुछ फैसिलिटी है? अभी तो कुछ भी नहीं है, ना तो वॉशरूम है, ना टीचर की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है, एक रूम है सिंगल। आप कहाँ से? मैं किशनगढ़ अजमेर से। क्या उम्मीदें लेके आए थे और अब किस तरीके की टेंशन है? परिवार वाले, माता पिता, क्या कुछ किया? सर, उम्मीद तो बहुत है लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा, ना ही सरकार कर रही है, ना कुछ प्रशासन कर पा रहा है, और घर वालों का और प्रेशर है, एग्जाम आने वाले हैं, ना ही कुछ सुविधा है। यही है सर। तो क्या लग रहा है भविष्य कैसे होगा, एग्जाम कैसे होंगे, क्या कुछ होगा, किस बात? भविष्य तो अंधकार में है सर, इस हिसाब से रहा तो सरकार से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और हमारे को सुविधा उपलब्ध कराए। अच्छा, आपके कितने सब्जेक्ट हैं और कितने टीचर हैं? सब्जेक्ट का पता कैसे होगा, जब टीचर आएंगे तब पता चलेगा ना कि कितने सब्जेक्ट हैं हमारे। अच्छा, तो अभी कितने सब्जेक्ट पढ़ाए गए? अभी दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, दो टीचर, दो ही आते हैं, वो दो सब्जेक्ट बस, वो ही चल रही। बताया तो होगा कि कितने सब्जेक्ट हैं? हाँ, वैसे तो बता तो रखा है 10 सब्जेक्ट हैं। तो फिर बाकी 8 का क्या होगा? 8 का कुछ नहीं होगा, बस जैसा इस कॉलेज की हालत है वैसी उसकी है। कॉलेज की हालत कैसी है? कॉलेज की हालत तो एकदम क्या बता सकते हैं कि भाई कुछ नहीं है। अच्छी खासी कॉलेज की तरफ फैसिलिटी है? नहीं, कुछ नहीं है। क्या क्या है? कुछ भी नहीं है, ना तो कॉलेज का भवन है, ना टीचर सारे, कुछ भी नहीं है। मतलब बस ये किराए पे 2 रूम ले रखे हैं, ये कॉलेज हो गई। ऐसी उम्मीद थी क्या? नहीं, ऐसी तो नहीं थी राजस्थान सरकार से। अच्छा, सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को कि भाई बस ऐसी मतलब बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि भाई उनको भविष्य में तकलीफ हो। परिवार वाले भी चिंता करते होंगे, माता पिता फोन करते होंगे, पूछते होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा? करते ही हैं, पर उनको भी क्या बता सकते हैं कि भाई उनको भी दिखता ही है कि भाई कुछ नहीं कर रही सरकार और ना यहाँ पे कुछ है। कुछ बच्चियाँ हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला डुकिया, मैं डीडवाड़ा नागौर से हूँ। क्या उम्मीदों से आई थी और क्या उम्मीदें? तो बहुत थी, शहर से अपने गांव से 500 किलोमीटर दूर किसी शहर में रह रहे हैं और सोचा था कुछ मतलब कुछ फैसिलिटी मतलब सब कुछ होगा कॉलेज में, एकदम कॉलेज की तरह कॉलेज होगी, पर यहाँ आकर देखा तो कुछ नहीं है, टीचर तक नहीं है पूरे। क्या सपना देखा था और अब आपको लगता है वो सपना पूरा होगा? आप इस कॉलेज के बाद में क्या कुछ सपना देख रहे हैं? मतलब कॉलेज जो डिग्री मिलेगी वो सिर्फ नाम मात्र की कागज़ की डिग्री होगी, इसमें कुछ ना तो फील्ड है, तो क्या हमारे सपनों की तो कोई कामयाब होने की कोई इच्छा ही नहीं। अभी कितने टीचर्स आ रहे हैं? अभी तो 10 सब्जेक्ट है, 2 टीचर्स आ रहे हैं। तो आप इतने किलोमीटर दूर आई थी तो आपने क्या उम्मीदें थी? आपने माँ बाप ने आपके माता जी वगैरह किस तरीके से भेजा था आपको? मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिली, हमने तो यही सोचा गवर्नमेंट कॉलेज मिली है तो अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, पर यहाँ आकर देखा तो कुछ नहीं है। 6 महीने का सेमेस्टर देख लो, हमारे 2 महीने में कम्प्लीट हो रहा है। अच्छा, आपने आपने यहाँ स्टाफ को बोला? स्टाफ वालों को बोला ये क्या कर सकते हैं। हाँ। आगे से सरकारी करेगी जो बनना है। फैसिलिटी क्या है यहाँ पर?
फैसिलिटी तो ये बोर्ड है और ये बेंच है और दो रूम किराए पर दे रखे हैं और कुछ नहीं है। अब देखिए यह फैसिलिटी कॉलेज की है। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी अगर हमारी ये रिपोर्ट देखिए तो इन बच्चों की दास्तान सुनिए। घोषणा करना ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ और बच्चों से भी बातचीत करेंगे। अच्छा आप लोग कहाँ से आए? सीकर से। अच्छा क्या उम्मीदें थी आपको यहाँ, क्या कुछ आपकी उम्मीदें? तो बहुत कुछ थी कि एग्रीकल्चर से बी एस सी करेंगे, आगे अपना करियर बनाएंगे फ्यूचर में, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फैमिली वाले फर्स्ट में गर्ल्स को इतनी दूर भेजते भी नहीं है, और भेजा तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए हॉस्टल वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी सरकार से आप? सरकार सुने तब कहे कुछ। अच्छा, सरकार सुनती नहीं है। अच्छा अच्छा आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम सोनिया पवार है। क्या कुछ आपने सपने देखे थे और अब आपको लगता है आपके सपने पूरे होंगे? क्या इस कॉलेज की डिग्री पूरी होने के बाद में क्या सपना था? सर हमें तो कुछ नहीं लगता यहाँ पे कुछ होएगा। अभी यहाँ की ऐसी सिचुएशन देख के ऐसे नहीं लग रहा कि हम ये सेमेस्टर भी क्लियर कर पाएंगे, और सेमेस्टर होगा तो हम करेंगे क्या? और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है हमारे लिए कि ताकि हम सरकार दावा कर रही है ना कि हमने 29 कॉलेज खोल दिए, 29 कॉलेज खोले, नाम मात्र बोल रहे हैं कि कॉलेज खोल रही है, ये दो रूम से हमारा क्या होए? ट्यूशन ही नहीं चलती है एक रूम में, तो वो हमें तो सिर्फ दो रूम मिले हैं, उनमें से एक क्लास लगती है और एक ऑफिस है। क्या लगता है धोखा कर दिया सरकार ने? सर धोखा क्या, बहुत कुछ कर दिया सरकार ने। अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपको चिंता किस बात की सता रही है? चिंता इस बात की सता रही है कि हमारा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये ना तो हमारी डिग्री मान्य होगी, ना हमारी पढ़ाई होगी, ना हमें कुछ नॉलेज होगी, और ना ही हमारा भविष्य बन पाएगा। आप देखिए ये बच्चे और बच्चियों की दास्तान है, कुछ और बच्चों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पहले वो तस्वीरों में बताए। दो चीजें यहाँ मिलेगी, एक बोर्ड मिलेगा और एक बेंच मिलेगी, इसके अलावा कॉलेज के लिए जो फैसिलिटीज होती है, बेसिक फैसिलिटी होती है, वो कुछ भी नहीं है। और इसी बात को लेकर ये बच्चे चिंता में हैं। कोई अजमेर से आया, कोई सीकर से आया, कोई नागौर से आया, कोई जयपुर से आया है, इन बच्चों को इसी बात। अच्छा आप कहाँ से आए? नागौर से। अच्छा क्या उम्मीदें लेके आए थे और क्या कुछ हो गया? उम्मीदें तो बहुत लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है अभी तो। अब किस बात की चिंता सता रही है? चिंता करियर की सता रही है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सेमेस्टर आ गए और मिड टर्म आने वाले 5-7 दिन में, क्या लिखेंगे क्या नहीं, सब चिंता ही चिंता है। अच्छा कुछ और बच्चियों से भी आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं फैसिलिटी के नाम पर क्या कुछ है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक पानी का कैंपर है और बाकी सफाई व्यवस्था ऐसा बताते हैं कि ये बच्चे खुद सब कुछ अरेंज कर रहे हैं। ये एक पानी का कैंपर है, ये बड़ी कॉलेज है, ये मतलब आप सोचिए कि ये कृषि महाविद्यालय है, महाविद्यालय में आप सोचिए कि बेसिक जो स्कूल होता है उससे भी कम फैसिलिटीज होती है। ये प्राइवेट भवन है, उसमें ये सब कुछ चल रहा है और वहाँ का क्या कुछ हाल है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सरकार घोषणा तो कर देती है लेकिन ज़मीन पर उसका क्या कुछ हाल होता है ये हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये बाथरूम है, बाथरूम का हाल देखिए, ये बच्चे हैं बच्चियाँ हैं जो कि बाहर से आ रखे हैं, और ये देखिए ये बाथरूम का हाल है, किस तरीके से ये हाल है। दरअसल सरकार आप देखिए कि किस तरीके से अब आखिरी बजट पर पेश करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार। अच्छा यहाँ पानी है? पानी नहीं है। आप देखिए पानी भी नहीं है। ये देखिए ये आप इससे अंदाजा लगा दीजिए इस रेत से भी यहाँ पर पानी की क्या कुछ फैसिलिटीज है। ये दरअसल मैं आपको बताऊं कि जो पिछला जो बजट था उसके अंदर बाड़मेर और गुड़ावालानी दोनों में कृषि महाविद्यालय के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी घोषणा की थी, और उसके बाद आनन फानन में यहाँ पर जो टेम्परेली स्टार्ट किया गया था, क्लासेस स्टार्ट की गई थी, लेकिन अब बच्चों को इस बात की चिंता सता रही है कि उन्होंने जिस उम्मीद से यहाँ पर आए थे वो उम्मीद पूरी होगी या नहीं। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।